Hello y'all, this is Mahesh Kumar and I once again extend a very very hearty welcome to all of you on your own YouTube channel, that is Zenipex Education. Okay, Zenipex Education. Dear all, in this video we are going to study about tenses. Tenses की study करने जा रहे हैं हम इस video में और कोशिश करेंगे कि इसके द्वारा tenses जो कि एक typical सा topic माना जाता है, एक कठिन टॉपिक माना जाता है, उसको आसान से आसान बना सके आपके लिए. ओके, अगर हम टेंसेस की बात करें तो टेंस बेसिकली डिनोट करता है इंग्लिश ग्रामर में टाइम को. टेंस टाइम को डिनोट करता है यानी समय को. और इसके लिए जो किसी भी सेंटेंस में जो एक वर्ड मेनली यूज किया जाता है वो वर्ब है. ओके, वर्ब ही टेंस को रिप्रेजेंट करता है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है. कोई सेंटेंस किस टेंस की बात कर रहा है, किस टेंस में दिखा रहा है किसी घटना को, वो हमें पता चलता है वर्ब से. ओके, तो टेंसेस को जैसे कि आप जानते हैं, टेंस को बेसिकली तीन ब्रॉड ग्रुप्स में बांटा जाता है, एंड दैट इज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. ये तीन ब्रॉड कैटेगरीज हैं और इस हर एक कैटेगरी को, हर एक ग्रुप को फिर से चार चार सब ग्रुप्स में बांटा जाता है हर एक को. और वो जो सब ग्रुप्स हैं, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूअस है हर एक के साथ. यानी प्रेजेंट के साथ भी ऐसे ही होगा, पास्ट के साथ, फ्यूचर के साथ. ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसके साथ ही फिर से हर एक टेंस में चार तरह के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं. ओके, चार तरह के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव. और लास्ट की जो टू कैटेगरीज हैं, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ये फिर दो दो तरह के बनते हैं. एक तो सिंपल क्या वाले होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब हम बस शुरू में ले आते हैं, जैसे भी आप आगे एग्जाम्पल्स देखेंगे. और दूसरे जो होते हैं वो डब्ल्यू एच साउंड वाले होते हैं, जिसमें डब्ल्यू एच वाले वर्ड्स जैसे वाई, हाउ, वेन एटसेट्रा आते हैं, उनका इस्तेमाल होता है. तो इनकी हम स्टडी करने जा रहे हैं इस तरह से, इतने हेडिंग्स के अंडर पे करेंगे इस तरह के सेंटेंस. और कोशिश रहेगी कि आपके लिए इजिएस्ट बनाया जाए इस टॉपिक को, जो कि थोड़ा सा टिपिकल है. वैसे हम इसको सेंटेंसेस के द्वारा समझेंगे, सेंटेंस बना करके. और सेंटेंस जैसे कि आप जानते हैं, सेंटेंसेस सेंटेंस किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जिसका कि कोई क्लियर कट मीनिंग या क्लियर कट सेंस आता हो. सेंटेंस का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल रहता है और वो है SVO. S stands for subject, V for verb and O for object. Okay, subject, verb, object. ये एक general इसका formula है. इसके अलावा कुछ sentences जब अलग अलग तरह से बनाए जाते हैं तो ये order थोड़ा change भी हो जाता है, लेकिन एक generally ये order follow रहता है. और जो थोड़े से कुछ सेंटेंसेस दूसरे हैं, जैसे कि जिनमें हेल्पिंग वर्ब का भी इस्तेमाल होता है, तो वो सेंटेंसेस आपके हेल्पिंग वर्ब उसमें मेन वर्ब से पहले आ जाती है. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, इस तरह से सारे सेंटेंसेस बनेंगे. यही बेसिकली स्ट्रक्चर रहेगा स्पेशली अफर्मेटिव सेंटेंसेस का. ओके, अफर्मेटिव सेंटेंसेस हार्ड और स्ट्रिक्टली इसी को फॉलो करते हैं. ओके, और जो दूसरे तरह के जो सेंटेंसेस हैं उनमें ऑर्डर कुछ हद तक चेंज भी हो सकता है या दूसरे स्ट्रक्चरल चेंजेस हो सकते हैं, कुछ चेंजेस आ सकते हैं, जैसे बीच में नॉट आ जाता है. ओके, तो जो भी है हम बहुत ही ईजी वे में अभी क्लियर कर देंगे आपको. अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की, हम कैसे पहचानेंगे किसी सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट है? तो चाहे सेंटेंस हिंदी में दे रखा हो चाहे इंग्लिश में दे रखा हो, बहुत ही इजी है सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना. देखिए, सब्जेक्ट कहते हैं किसी भी काम को करने वाले को या सेंटेंस में जिसकी किसी की बात की जाए.
जैसे कि अगर हम कहते हैं द टीचर टीच्स इंग्लिश, द टीचर टीच्स इंग्लिश, तो काम कौन कर रहा है? टीचर. ओके, तो काम करने वाला ही डूअर या सब्जेक्ट होगा. दूसरे तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जहां स्टैटिक वर्ब्स रहती हैं, वहां सिंपली किसी के बारे में अगर सिर्फ बताया जाता है, जैसे आई हैव अ पेन. ओके, और दूसरे भी ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं. सीता इज अ गुड गर्ल, सीता इज अ गुड गर्ल में यहां कोई एक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ हम सीता के बारे में बता रहे हैं, तो जिसकी बात कर रहे हैं वही सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी सीता सब्जेक्ट हो जाएगा. ओके, तो सब्जेक्ट वो होता है सेंटेंस में कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में या तो बात हो रही हो या वो कोई उसमें जो सेंटेंस में काम हो रहा है वो उस काम को कर रहा हो. ओके, तो काम करने वाला या जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट होगा, और ये हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है. किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा वो जो इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग फिगर्स सॉरी पार्ट्स ऑफ स्पीच रहती हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच रहती हैं 8 टाइप्स की, उनमें से सिर्फ 2 ही कैटेगरी जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे काम कर सकती हैं, और वो है आपकी नाउन और प्रोनाउन. ओके, या तो वो नाउन रहेगा हमेशा या फिर प्रोनाउन रहेगा, इसके अलावा कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकती. ओके, वर्ब या तो एक्शन दिखाएगा और या फिर स्टेट, जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल भी देखा, सीता इज अ गुड गर्ल. ओके, यहां इज भी वर्ब है, मेन वर्ब. वैसे इज हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम करती है, कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस में आती है. ओके, और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम करती है, लेकिन यहां पे मेन वर्ब है. सीता डज हिज वर्क ब्यूटिफुली में डज वर्ब है, मेन वर्ब. ओके, तो जो भी हो वर्ब्स दो तरह की होती हैं, या तो एक्शन दिखाएंगी या फिर स्टेट को दिखाएंगी. ओके, और इनकी 5 फॉर्म्स रहती हैं जो अभी हम देखेंगे. ओके, इसके अलावा जो तीसरा है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या होगा? जिस पे भी जो भी काम हो रहा है, अगर सेंटेंस में किसी में कोई काम होता है तो उस काम का असर भी किसी पे पड़ता है. जैसे कि अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था, द टीचर टीच द स्टूडेंट्स. ओके, द टीचर टीच इंग्लिश और द टीचर टीच स्टूडेंट्स. तो अगर हम बात करें द टीचर टीच स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है, वो रिसीवर हैं, इसलिए यहां पे वही ऑब्जेक्ट होगा. तो जो भी एक्शन हो रहा है किसी सेंटेंस में, जो भी काम हो रहा है, उस काम का असर जिस पे पड़ता है वही उसका ऑब्जेक्ट रहता है. और ऑब्जेक्ट भी जैसे कि सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हुआ करता था, वैसे ही ऑब्जेक्ट भी सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही होगा. ओके, तो चाहे सब्जेक्ट हो किसी सेंटेंस में, चाहे ऑब्जेक्ट हो, दोनों ही या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे. इसके अलावा कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट काम नहीं कर सकते. ओके, तो चलिए वर्ब्स की फॉर्म देख लेते हैं. वर्ब की फॉर्म्स 5 टाइप्स की होती हैं, और ये रहती हैं. सबसे पहली है बेस फॉर्म, जो कि जिसके नाम से जनरली हम वर्ब को जानते हैं. ओके, जैसे गो, हमने यहां कुछ वर्ब्स लिए हैं, जैसे गो है, ईट है, सिंग. ओके, गो ईट सिंग, ये बेस फॉर्म कहलाती हैं, और ये जनरली फर्स्ट फॉर्म भी कहलाती है. जो बेस फॉर्म है वही फर्स्ट फॉर्म भी कहलाती है. ओके, तो ऐसे ही जो प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस में जो आती है, स्पेशली प्रेजेंट इनडेफिनिट में भी अफर्मेटिव सेंटेंस में जो यूज होती है, ओके, वो आपकी गोज ईट्स सिंग्स हो जाती है. ओके, यानी एस या ईएस इसमें जुड़ जाता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो. पास्ट फॉर्म में इसकी गो का वेंट हो जाता है, ईट का एट हो जाता है, और सिंग का सेंग. ओके, तो पास्ट फॉर्म जो है उसको हम पास्ट इनडेफिनेट में यूज करते हैं सिर्फ, और सिर्फ एक ही जगह ये यूज होती है, और दूसरी चीज ये कि यही सेकेंड फॉर्म भी कहलाती है. तो बेस फॉर्म जहां फर्स्ट फॉर्म थी, वहीं पास्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म कहलाती है. इसी तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है जब हम बेस फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं किसी भी
वर्ब की जो बेस फॉर्म है अगर हम उसमें आई एन जी एड कर देते हैं तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है, जैसे गोइंग, ईटिंग, सिंगिंग एटसेट्रा। पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होती है। ओके, पास्ट पार्टिसिपल को ही वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। और जैसे गो की अगर हम बात करें तो गॉन हो जाएगा, ईट का ईटन हो जाएगा, और ऐसे ही सिंग का संग हो जाएगा, सिंग सैंग संग। ओके, सो दैट वॉज ऑल अबाउट द वर्ब्स और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। जरूरी था इनके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी होना हमारे लिए, इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो इन्हीं का मेन यूज रहेगा, और अगर इनके बारे में हमें क्लैरिटी नहीं है तो कहीं ना कहीं हम गलतियां कर सकते हैं। ओके, तो इनके बारे में एक बहुत ही अच्छी तरह से क्लैरिटी कर लें और थोड़ी सी इनकी प्रैक्टिस कर लें। बहुत सारी वर्ब्स अगर हम पढ़ लें, मेरे ख्याल से जो मुख्य मुख्य मेन वर्ब्स हैं 40-50, उनको तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ ही लेना चाहिए क्योंकि उन्हीं का इस्तेमाल ज्यादा होता है। ओके, चलिए आते हैं फर्स्ट काइंड के टेंस पे, एंड फर्स्ट काइंड इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहां मैं बताता चलूं कि जैसे ट्रेडिशनली चलता है, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं टेंसेस को, पहले वो प्रेजेंट का पढ़ाएंगे सारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, उसके बाद इसी तरह से पास्ट का, फिर फ्यूचर का। मैं वैसे नहीं चल रहा हूं क्योंकि ये मेरी सोच है कि जो इंडेफिनिट है इसके बजाय एक ही सेंटेंस को हम तीनों टेंसेस में पढ़ेंगे, एक ही सॉरी सब ग्रुप को हम तीनों टेंसेस में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने इंडेफिनिट लिया है तो पहले इंडेफिनिट को ही तीनों टेंसेस में पढ़ेंगे, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। क्यों? बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन देम, बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं इनमें, और इसीलिए अगर हम इस तरह से चलेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा, ये मेरा मानना है। ओके, तो हम स्टडी करने जा रहे हैं अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट की, इसके बाद हम पास्ट इंडेफिनिट देखेंगे, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट देखेंगे, क्योंकि इस तरह से अगर आप चलेंगे तो मेरा मानना यह है कि आपके लिए आसान रहेगा इसको समझना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हम सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी सबसे पहले हमने अफर्मेटिव लिया है, और कोशिश हमारी यह है कि सारे जो टेंसेस हैं उसमें आपके सिर्फ दो ही सेंटेंसेस का हम इस्तेमाल करें, सिर्फ दो ही एग्जांपल्स के द्वारा हम आपको सारे टेंस को समझाएंगे। ओके, तीन टेंस हैं, तीन टेंस के फिर चार सब ग्रुप्स हैं, और उनके फिर चार चार नहीं बल्कि मैं तो कहूंगा छह छह सब ग्रुप्स और हैं। तो इतने सारे सभी सेंटेंसेस को, टेंसेस को हम समझाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ दो एग्जांपल्स के द्वारा, सिर्फ दो ही सेंटेंसेस के द्वारा। ओके, अलग अलग टेंसेस में जाकर के वो किस तरह से चेंजेस होते हैं उससे आप बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि आखिरकार कौन कौन से आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। ओके, तो हमने जो एग्जांपल लिया है वो मीता गोज टू मुंबई से लिया। ओके, इसी सेंटेंस को हम रिपीट करेंगे सिंगुलर के तौर पे, एक सिंगुलर लिया है इसीलिए और एक प्लूरल लिया है, सेकेंड वाला प्लूरल है वी गो टू मुंबई। ओके, दिस इज प्लूरल वन एंड द फर्स्ट वन इज सिंगुलर वन। तो इन दो एग्जांपल्स को ही हम अलग अलग टेंसेस में चेंज करके देखेंगे, समझेंगे कि आखिरकार क्या चेंजेस होते हैं। तो अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया आपका, सब्जेक्ट है मीता, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लग जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस एड होता है। ओके, तो इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने ई एस जोड़ दिया और उसके बाद ऑब्जेक्ट ले लिया टू मुंबई, मीता गोज टू मुंबई, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मीता मुंबई जाती है। हिंदी का मैंने लिखा नहीं है, सिर्फ बोल रहा हूं मीता मुंबई जाती है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया, और ये उसका इंग्लिश का ट्रांसलेशन, मीता गोज टू मुंबई।
ओके सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस, उसके बाद में ऑब्जेक्ट मुंबई। इसी तरह से जब हम प्लूरल बनाएंगे इसी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं जुड़ेगा, वी गो टू मुंबई। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस नहीं है, ओके वी गो टू मुंबई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस नहीं है। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी और उसमें कोई एस या ईएस कुछ नहीं रहेगा। इसके बजाय अगर हम देखें तो हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगा। ओके तो नेगेटिव बनाने के लिए यह है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि यहां डज है, और उसके बाद नेगेटिव का नॉट। ओके उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए यहां जो सिंगुलर वाला एग्जाम्पल है, मीता सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब डज आ गई, उसके बाद नॉट आ गया, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा जो नॉट आता है वो मेन वर्ब से पहले ही पहले आता है। ओके मेन वर्ब से पहले, अगर हेल्पिंग वर्ब कई सारी होती हैं तो पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। मीता डज नॉट गो टू मुंबई, ऐसे प्लूरल वी डू नॉट गो टू मुंबई। देखिए सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब है डज और प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब है डू। यही बात ध्यान देने वाली है, सिंगुलर के साथ जब नेगेटिव बनाओगे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर नेगेटिव बनाओगे तो सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब डज लगेगी और प्लूरल के साथ डू लगेगी। इसी से हम फाइंड आउट करते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। ओके देखिए वर्ब में जो चेंजेस होते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा था, वर्ब में सिर्फ दो वजह से ही चेंजेस होते हैं, या तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होंगे और या फिर टेंस के अकॉर्डिंग। ओके वर्ब सिर्फ दो ही वर्ड्स के लिए सेंसिटिव रहेगी और वो है आपका सब्जेक्ट और टेंस। ओके इन दोनों के अकॉर्डिंग ही वर्ब में चेंज होते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म में फर्स्ट एग्जाम्पल में मीता के साथ डज नॉट गो आया, ओके जबकि सेकंड एग्जाम्पल में जैसे आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब डू हो गई है। ओके तो वी डू नॉट गो टू मुंबई, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डज नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ध्यान देने वाली बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहे पास्ट इंडेफिनिट चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में तो जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं वहां भी फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ओके लेकिन पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ जगह फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, लेकिन जब आप इनके नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाओगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में मैं बताता चलूं कि जब भी आप इनके नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाओगे तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। जो भी वर्ब में चेंजेस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में होंगे। नोट इट डाउन, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों में ही वर्ब की जो भी चेंजेस होंगी वो सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होंगी, बाकी नेगेटिव इंट्रोगेटिव कुछ भी अगर आप उनका बनाएंगे तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके इसी तरह से आप देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव डज मीता गो टू मुंबई, जो हेल्पिंग वर्ब थी, ओके जो हेल्पिंग वर्ब थी वो शुरू में आ गई, यहां अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। एक और सिमिलरिटी है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों में एक सिमिलरिटी आपको फिर से मिलेगी कि जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनके दोनों में ही हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। ओके प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट इन दोनों में ही अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, बाकी इसके आगे हम जितने भी टाइप के टेंसेस पढ़ेंगे आगे सभी में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर होती है। ओके और कुछ में तो तीन तीन हेल्पिंग वर्ब होती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती,
ओके नेगेटिव से यहां पे दोनों में के ही जब हम नेगेटिव बनाते हैं तब जाकर के हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस होती है, जैसे कि नेगेटिव में यहां पे हुई थी। ओके तो इंट्रोगेटिव जब हम बनाएंगे तो वही हेल्पिंग वर्ब जो यहां पे आ रही थी वो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी, डज मीता गो टू मुंबई। देखिए किसी में किसी का भी अगर आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे, जो सिंपल इंट्रोगेटिव होते हैं, जो सिंपल इंट्रोगेटिव होते हैं किसी भी टेंस का अगर आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो जो भी उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन हेल्पिंग वर्ब यानी पहली हेल्पिंग वर्ब, तो वही शुरू में आ जाएगी। ओके सब्जेक्ट से ही पहले डज मीता, देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डज, उसके बाद मीता यानी सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आप अगर चाहें तो इसकी फॉर्मेशन नोट कर सकते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके इसी तरह से अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद बस नॉट इंट्रोड्यूस हो जाएगा, डज मीता नॉट गो टू मुंबई। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके प्लूरल में भी हेल्पिंग वर्ब डू थी तो डू आ जाएगा, डू वी गो टू मुंबई, इसी तरह से डू वी नॉट गो टू मुंबई। देखिए स्ट्रक्चर सेम है, डज मीता नॉट, डू वी नॉट, जो भी सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आ रहा है और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है। यहां क्योंकि इंट्रोगेटिव है सिर्फ तो इसमें नॉट नहीं है। ओके यहां सिर्फ डज मीता और डू वी आर, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी तरह से अगर हम डब्ल्यू एच वाले वर्ड्स की बात करें, जो डब्ल्यू एच वर्ड से इंट्रोगेटिव्स बनते हैं, तो जो हेल्पिंग वर्ब है, देखिए इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव को एज इट इज देख लीजिए आप। ओके और उसके बाद जो भी डब्ल्यू एच वाला वर्ड होगा वो इनके शुरू में आ जाएगा, दोनों में, इनसे ही पहले। बहुत ही सिंपल है, आपको कोई नया स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, कोई भी नया स्ट्रक्चर नहीं है। आगे मैं और बताऊंगा, यहां तो अभी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यहां नहीं थी तो इसलिए हमें यहां से हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ी। आगे हम बताएंगे और भी कि कितना आसान है ना, जितना आपने टिपिकल समझ रखा है हर एक सेंटेंस में, जैसे लगता होगा कई बार कि साहब हर बार में स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ अफर्मेटिव को बना लीजिए, अफर्मेटिव से ही सारे सेंटेंसेस आपको क्लियर कट हो जाएंगे, तो अफर्मेटिव की बहुत अच्छी से प्रैक्टिस कर लीजिए, अपने मन मस्तिष्क में बहुत अच्छे से बिठा लीजिए कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस बन गए तो फिर सारे सेंटेंसेस बनाने आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ही बारीक से चेंजेस हैं। तो इसी तरह से जब डब्ल्यू एच वाला बनाएंगे आप, तो जैसे यहां इंट्रोगेटिव बनाया था आपने, डज मीता गो टू मुंबई, सिर्फ इससे पहले सबसे पहले आप डब्ल्यू एच साउंड वाला वर्ड इंट्रोड्यूस कर देंगे। आपने वेन लगा दिया, बाकी पूरा डज मीता गो टू मुंबई, देखिए वेन डज मीता गो टू मुंबई, ये पूरा सेंटेंस अगर आप देखेंगे यहां से और यहां तक, ओके तो ये पूरा यही वाला रिपीट हो रहा है, वेन डज मीता गो टू मुंबई। इसी तरह से डू वी गो टू मुंबई का वेन डू वी गो टू मुंबई, सिर्फ वेन शुरू में लग गया और डू वी गो टू मुंबई। ओके इसी तरह से जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो जैसे यहां नेगेटिव बना रखा था इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव, बस उन्हीं के पहले जिस तरह से यहां पे वेन वेन पहले लगा दिया, वैसे ही यहां पे दोनों में वेन पहले लग जाएगा। देखिए वेन डज मीता नॉट गो टू मुंबई, वेन डू वी नॉट गो टू मुंबई, इट इज सो सिंपल, इट इज एज सिंपल एज दैट। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टडी करेंगे पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट की। Till then, keep learning, keep growing.